चलिए आपको सीधे लिए चलेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खाद्य विभाग के मुद्दों पर अपनी बात रखने क्या कुछ करें आप। सिस्टम किया गया तो कमिश्नरेट सिस्टम में क्या किया, नीचे चार SP लगा दिए, चार SP ने चार टुकड़े कर दिए कानून व्यवस्था के। अब चार की जगह मान लो दो जिले की बात आ रही है तो जयपुर ग्रामीण का SP अलग बैठ जाए, जयपुर जयपुर रहे, जयपुर शहर जिला अपने आप में एक जयपुर रहे, और ये भावना हम समझते हैं वो ही रहेगा। मैं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे क्या कर देंगे, मैं तो खुद ही मन जयपुर से MLA हूँ, जयपुर का बेटा हूँ, मंत्री हूँ सरकार में, तो ऐसा वैसा करने की कहीं जरूरत नहीं। हमने तो बनाए जिले सरकार नहीं, तो एक ओवरऑल एक टीम होती है जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में काम करती है। हम सबकी जिम्मेदारी है जन भावनाओं का सम्मान करना, जन भावनाओं को समझना, और जब कोई अच्छा आइडिया आए प्रेस से आए पब्लिक से आए और कहीं से भी आए, वो आइडिया ऐसा हो जिसमें जयपुर की आन बान श्यान का प्रतीक हो तो उसको मानना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का निर्णय को एक तोड़ना सरकार बिल्कुल सख्त हो गई, सरकार तो जनकल्याणकारी होती है हमेशा, सरकार नफे नुकसान से नहीं चलती, सरकार जनकल्याण से चलती है। नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ एक जयपुर की बात कर रहा हूं, जयपुर ही रहेगा, मैं ये आइडिया नहीं दे रहा कुछ भी, जो लोगों की भावना है जो मेरी भावना है हम जयपुर ही रखेंगे, और उसमें ये करेंगे कि कलेक्टर आज एक बैठता है तो कलेक्टर दो बैठा देंगे, तीन बैठा देंगे, SP चार बैठ रहे हैं तो SDM जगह जगह बैठा देंगे, तो इस तरह से प्रशासनिक विभाजन कर देंगे। सर प्रशासनिक विभाजन तो करोगे लेकिन जब कलेक्टर की बात आती है तो फिर जिला अपने आप में यूनिट नहीं, तो आप कलेक्टर की बात आती है तो दिल्ली में 11 कलेक्टर बैठे हैं, 13 कलेक्टर बैठे हैं, सही कह रहे हैं, मेरे पास 11 की रिपोर्ट है, 13 बैठे हैं, तो 13 कलेक्टर जब दिल्ली में बैठे हैं तो ये सब करना पड़ता है। जिला बना दिया ना कोटपुतली को, जिला बना दिया दूदू को, तो ऐसे में यदि कहीं बात जयपुर की भावना की बात आती है तो जयपुर के जनप्रतिनिधि के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जयपुर जयपुर ही रहे और वो जयपुर। अरे CM तक जहाँ भी बात करनी है, सरकार का मैं हिस्सा ही तो हूँ यार, मैं भी तो मंत्री हूँ मेरे भाई, आप समझो पुनीत जी, मैं जब भी बैठेंगे हम मुख्यमंत्री जी के साथ, अभी जिले बनाने की घोषणा 19 बनेंगे, तो मुख्यमंत्री जी की भावना अच्छी है कि राजस्थान क्षेत्र भर में सबसे बड़ा स्टेट है, तो मुख्यमंत्री की भावना क्या, राजस्थान की जनता जो दूर है वहां तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं और डेवलपमेंट का मॉडल वहां तक पहुंचे, इसी के लिए तो जिले बढ़ाए गए, और लोगों की भावना भी थी कि जिले बने और एक साथ 19 बनाए गए। अब BJP के लोग कितने डायलॉगबाजी कर दे, प्लॉट काट दिए, कोई कहता नहीं, अरे तो काका जी आप क्या कर रहे थे, आप भी प्लॉट काट देते, आपकी तो नीयत ही खराब थी शुरू से, आप कुछ करते तो है नहीं, BJP के लोग तो एक काम में लग गए, राहुल गांधी का मकान छीन लो, राहुल गांधी की सदस्यता छीन लो, तो पेट्रोल डीजल क्यों नहीं करते सस्ता, क्यों नहीं करते गैस सिलेंडर पर सब्सिडी वापस चालू, तो BJP तो गलत ट्रैक पर चढ़ गई। अब अपना अध्यक्ष बदल दिया तो अध्यक्ष बदलने से क्या BJP के पाप छुप जाएंगे क्या, पाप तो हो ही रहेंगे, दुनिया जानती है 15 लाख अच्छे दिन का वादा, पेट्रोल डीजल सस्ता करने का